डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और ये बायोस्टैटिस्टिक्स के सीरीज में हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था एनोवा के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था कि क्या बेसिक है एनोवा का और एनोवा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक स्टेप्स हैं, वो हमने देखा था। कब हम एनोवा अप्लाई करेंगे, ये भी हमने देखा था। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनोवा का जो पार्ट वन है आप उसे देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं, जैसा पिछली बार पार्ट वन में मैंने सिखाया था थियरी और जो स्टेप्स हैं सारी चीजें बताई थी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक प्रॉब्लम कोई दी हुई है तो उस प्रॉब्लम को, एनोवा की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट वेदर द मीन ऑफ द थ्री सैंपल डिफर सिग्निफिकेंटली आर नॉट। एक कोई पॉपुलेशन है तो अलग अलग तीन पॉपुलेशन है, वहां से सैंपलिंग करिए। तीन सैंपल आप देख पा रहे हो, ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री। इनमें आपको यह बताना है कि इसके जो मीन्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अगर हम इसमें टी टेस्ट लगाते हैं तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा, मुझे सैंपल वन से सैंपल टू के साथ करना पड़ेगा, पहले टेस्ट, फिर सैंपल टू को थ्री के साथ करना पड़ेगा, फिर सैंपल को वन को थ्री के साथ करना पड़ेगा। मतलब इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, इनके मीन्स में अगर मैं टी टेस्ट लगाता हूं तो मुझे 3 बार टेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें अगर एक स्टेप में आपने गलती की तो पूरा गलत हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब दो से ज्यादा ग्रुप हो हमको एनोवा यूज करना चाहिए, और यहां पर हम आपको यूज करके बताने जा रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा को सॉल्व करने के लिए आपको, एक जैसा टी टेस्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि कुछ वैल्यूज हैं, आप जब भी एग्जाम, किसी थ्योरी एग्जाम में जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको जो वैल्यू है, जैसे टी टेस्ट आपने किया था तो टी की वैल्यू आपको दी जाती है, ऐसे जब आप एनोवा करेंगे तो आप एफ वैल्यू मिलेगी। एफ मतलब फिशर, आपको बताया था मैंने, फिशर ने इसको डेवलप किया था इसीलिए इसको एफ वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो वैल्यू आपको कुछ 3.89 दी गई है। मैं आपको अभी और भी बताऊंगा कि आखिर हम, जैसे टी टेस्ट की वैल्यू हम देखते थे किसी भी बुक के लास्ट में, अगर स्टैट की कोई भी बुक आप देखेंगे तो उसके लास्ट में टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज दी होती हैं। तो टेबल से कैसे वैल्यू निकालेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सैंपल वन, सैंपल टू, सैंपल थ्री की जो वैल्यूज हैं इनमें, इनके मीन्स में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेस्ट आप यूज करेंगे तो सबसे पहला काम होगा नल हाइपोथेसिस लिखना। तो नल हाइपोथेसिस हमारा हो जाएगा, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब ये जो सैंपल्स हैं इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये आपका हुआ स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू अगर देखें तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मींस देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैंपल। तो देर इज नो सिग्निफिकेंट था नल हाइपोथेसिस, तो उसका अपोजिट हो गया यस देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैंपल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें, जब भी कोई भी एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन ना किया हो तो उनको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 95% कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया अल्फा इक्वल टू 0.05। अब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा होगा स्टेप नंबर 5 सॉरी 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको ये बताया था कि इसमें दो तरीके का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालना होता है, एक निकालना होता है डीएफ बिटवीन और दूसरा निकालना होता है डीएफ विद इन। तो डीएफ बिटवीन का मतलब क्या हुआ, कितने ग्रुप है अपने पास। तो यहां पर देखिए तीन ग्रुप है, 1 2 3, तो आपका डीएफ बिटवीन हुआ 3 माइनस 1, मतलब आपका हुआ 2। अगर हम डीएफ विद इन की बात करें तो डीएफ विद इन का मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में जितने टोटल एन है, मतलब जितने नंबर हैं सैंपल्स, तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो टोटल कितने हो गए 15। 15 में से नंबर ऑफ ग्रुप आप माइनस कर दें तो यहाँ पर 3 है, तो 15 माइनस 3 विल बी 12। तो आपको दो डीएफ मिल गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गए, बिटवीन और विद इन। अब मैं आपको बताता हूं कि चूंकि जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था टी टेस्ट में तो वहां पर बड़ा आसान था वैल्यू को देख पाना,
लेकिन यहाँ पे जब आप एनोवा करेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग तरीका है आपको वैल्यू देखने का टेबल से। तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, तो टेबल देखिएगा, आपको किसी भी बुक के लास्ट में मिल जाएगा। ये बुक के लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा इक्वल टू 0.05, मतलब ये आपका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए आपको टेबल दी हुई है। ऐसे अगर आपको 1% पे करना है तो आप टेबल देखिएगा, वहां पर 0.01 लिखा होगा। तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबल है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है DFN एंड DFD, मतलब इधर चलेगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन और इधर चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन। ऑलराइट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन आपका आया है 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन आया है आपका 12। तो यहां पर देखिएगा, चूंकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए है, तो आप सीधा क्या करेंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन की वैल्यू आपकी आ रही 12। यहां पर देखिएगा, जब आप इंटरसेक्ट करेंगे ये 2 से नीचे आएंगे और यहां पर जब जाएंगे तो देखिएगा ये वैल्यू आपकी आएगी 3.89, मतलब स्टैंडर्ड जो टेबल की वैल्यू है वो आपकी है 3.89। तो इसी के रेस्पेक्ट में आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको कंपेयर करना है और उसी से हमारा डिसाइड होगा कि आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आए और जो टेबल की वैल्यू हो ज्यादा हो, तो सामने वाली की ज्यादा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस। अगर आपकी ज्यादा आती है जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं और टेबल की वैल्यू कम है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको पता होगा। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर जो इन्फेरेंशियल स्टैट के कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे आप उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हुई हैं। और कोई भी टेस्ट अगर हम देखते हैं इन्फेरेंशियल स्टैट में तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सब चीजें मैंने वहां पे बताई हुई हैं। तो आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, ये सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 आप लिखेंगे। ये स्टेप्स एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है। आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी लाइब्रेरी में, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। ये बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, एनोवा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, आप एमएससी में पढ़ रहे हैं, आप बी फार्मा में पढ़ रहे हैं, या आप एमबीए कर रहे हैं, कोई भी हो, सबके काम ये आपका जो स्टैट है ये आएगा। तो सैंपल 1 में सबसे पहला क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स C1, C1 मीन्स कॉलम 1। तो ये कॉलम 1 मान लीजिए आप, तो कॉलम 1 की जितनी वैल्यूज है उनको सम कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी समेशन ऑफ एक्स C1। तो इन सब के वैल्यूज को आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 80, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पांचवें स्टेप पे जाके आपको अब टेस्ट लगाना है, मतलब एनोवा के फॉर्मूला वगैरह लगाने हैं। सैंपल 2 की बात करें तो यहां पर भी क्या करेंगे, XC2, मतलब ये सारी वैल्यूज जो है इनको आप जोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 70। सैंपल 3 की जब हम बात करेंगे तो 13 + 12 + 10 + 15 + 5 = 55। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसमें हम देखेंगे उसकी वैल्यू का कैलकुलेट करने का क्या है, समेशन ऑफ XC1 स्क्वायर। XC1 स्क्वायर को आपको समझना चाहिए। XC1 स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉलम 1 में, मतलब ये सैंपल 1 में जितनी वैल्यूज हैं उन सब का स्क्वायर इंडिविजुअली करना है। मतलब 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी समेशन ऑफ X² C1, या X C1 स्क्वायर भी बोल सकते हो। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ X² स्क्वायर। इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 की जितनी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 19 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। तो आपको मिल गया समेशन ऑफ X² स्क्वायर। ऐसे ही जब आपको थर्ड का भी निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ X C3 स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 13 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 15 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 663। आप कैलकुलेटर का यूज करके, मेरे साथ वीडियो को पॉज करके आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। आपको स्टेप्स रट लेने हैं और इसी सीरीज में इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अब आपको अगर याद हो तो, अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बताई थी। पहला बताया था ए, बी और डी। अब एक काम और करते हैं, समेशन ऑफ एक्स कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यूज है उन सबको एड कर देना है ना। तो जितनी सारी वैल्यूज इसमें दी हुई है, देखिए इन सारी वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, 20 + 10 + 17 + 17 + 16 + 19 + 13, ऐसा करें
या आप ऐसा करें, समेशन ऑफ एक्स सी वन कर दें, इसके जो वैल्यू आई, इस कॉलम की जो वैल्यू आई है, सैंपल टू के कॉलम की वैल्यू, सैंपल थ्री की कॉलम की वैल्यू को जोड़ दें, तो टोटल आपको टोटल मिल जाएगा सारी वैल्यूज का। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स सी वन प्लस समेशन ऑफ एक्स सी टू प्लस समेशन ऑफ एक्स सी थ्री, जो कि आप देख सकते हैं 80 था, 70 और 55, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब आप यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको जो टोटल मिलता है समेशन ऑफ एक्स, तो आपको मिलता है 205। ठीक है, अब हमको ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आप याद करिए, फार्मूला आपको बताया था समेशन ऑफ एक्स सी स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स सी, यहाँ पर सी थोड़ा नीचे चला गया है, एक्स सी स्क्वायर। तो एक्स सी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, कॉलम, कॉलम का स्क्वायर। तो कॉलम वन का स्क्वायर, कॉलम टू का स्क्वायर, कॉलम थ्री का स्क्वायर। तो देखिएगा अभी आपने इससे पहले कैलकुलेट किया था समेशन ऑफ एक्स सी वन स्क्वायर, आप देख लीजिए समेशन ऑफ एक्स सी वन स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया था, समेशन ऑफ एक्स सी टू स्क्वायर कैलकुलेट किया था, और समेशन ऑफ एक्स सी थ्री स्क्वायर भी कैलकुलेट किया था। तो इन तीनों को वैल्यू को जब आप जोड़ दोगे लाइक 1334, 1044 एंड 663, तो आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3041, और यही वैल्यू आपकी हो गई ए की। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन सी। एन सी के क्या मतलब हुआ कि पूरे कॉलम में कितने आइटम्स हैं। तो अब हम इसको कैसे करें, समेशन ऑफ एक्स सी वन मतलब पहले कॉलम काम कर लेते हैं, एक्स सी वन का होल स्क्वायर। तो एक्स सी वन का होल स्क्वायर और एक्स सी वन स्क्वायर में बड़ा डिफरेंस है, एक्स सी वन स्क्वायर इज डिफरेंट एंड समेशन ऑफ एक्स सी वन का होल स्क्वायर में अंतर है। जब मैं बोलता हूं समेशन ऑफ एक्स सी वन का होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स सी वन कितनी वैल्यू आ रही है, 80 आ रही है, राइट। तो 80 का होल स्क्वायर, ऐसे समेशन ऑफ एक्स सी टू जो वैल्यू है आपकी 70, उसका होल स्क्वायर करना है, समेशन ऑफ एक्स सी थ्री जिसकी वैल्यू है 55, उसका होल स्क्वायर करना है, और कॉलम नंबर वन में आपके टोटल आइटम कितने थे, 5। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 5 थे कॉलम वन में, कॉलम टू में भी 5 थे, कॉलम थ्री में भी 5 थे। तो ये आपकी वैल्यू रखनी है 5 + 5, 5, 5, 5, और इनको जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 2865, और ये आपकी वैल्यू आ गई बी की। ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि ए का फार्मूला क्या है, बी का फार्मूला क्या है, और डी का फार्मूला क्या है। सी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सी क्यों नहीं आया, क्योंकि सी का यूज हम तब करते हैं जब हम टू वे एनोवा पढ़ते हैं। हम चूंकि यहाँ पर आपको वन वे एनोवा बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सी का यूज नहीं किया है। तो नेक्स्ट जो डी है उसको हम बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, समेशन ऑफ एक्स, तो समेशन ऑफ एक्स आपने यहाँ पे निकाल लिया था 205, तो यहाँ पर 205 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब टोटल नंबर कितने थे। तो आप देखिएगा एक कॉलम में 5 थे, तो तीनों मिला के 15, और इनको सॉल्व करेंगे तो 2801.67, तो आपकी सारी जो वैल्यूज हैं बड़ी आसानी से आपने कैलकुलेट कर। अब हम सिंपल क्या करेंगे, एक वन वे एनोवा टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे बिटवीन लिखा, विदिन लिखा, डीएफ मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे एसएस लिखा है, एसएस का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर, एसयूएम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, ये है मीन ऑफ स्क्वायर, और ये है आपका एफ की वैल्यू। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बिटवीन निकाला था 2 और विदिन कैलकुलेट किया था 12, और एसएस के लिए आपको फॉर्मूला बताया था बी माइनस डी। तो आप यहां से देखेंगे कि जो बी की वैल्यू है वो आपकी आई है 2865, और डी की वैल्यू है वो है 2801.67, तो आप बी माइनस डी करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63.33, जबकि ए माइनस पी है जब आप करेंगे तो ए की वैल्यू आई थी 3041। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए की वैल्यू आपने निकाली थी 3041, तो 3041 माइनस 2865, तो आपको वैल्यू मिल गई 176। और मीन ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता था कि जो सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है उसको रेस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है। तो एस एस डिवाइडेड बाई डी एफ, तो एस एस आपका निकल गया है 63.33, और डी एफ आपका है बिटवीन या 2, और ये वैल्यू आपकी आ गई 31.67। ऑलराइट, अब मीन ऑफ स्क्वायर निकालेंगे इसका विदिन का, तो सिंपल है, इसकी वैल्यू आई आपकी एस एस आया 176, और उसका विदिन वाला डी एफ था 12, तो आपको मिल गया 14.67। अब f की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है, f इक्वल टू एम एस बिटवीन, तो एम एस बिटवीन कितना आया आपका, आपका आया 31.67, आपने यहाँ पे लिख दिया, और विदिन कितना आया 14.67, आपने यहाँ पे लिख दिया, और कैलकुलेट कर लिया 2.16। तो आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ चुकी है।
तो सिंस एफ कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो 2.16 है, और जैसा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया गया था कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन की जो वैल्यू है 3.89 है, जबकि आपने जो कैलकुलेट किया वो सिर्फ 2.16 है। इसका मतलब आपकी वैल्यू कम है और स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आपका कम है। तो हेंस द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल्स, मतलब जो सैंपल थे उनके मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया वन वे एनोवा। यह सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि वन वे एनोवा को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जब बुक्स में जाएंगे तो अलग अलग जो राइटर्स की बुक्स हैं उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, आप इससे नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वन वे एनोवा की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप वन वे एनोवा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं काम करता हूं, आपको समझ में आया या नहीं आया आपको एक प्रॉब्लम देता हूं। ये प्रॉब्लम आपको दी हुई है कि मान लिया एक रिसर्चर है, वो कुछ एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन का टेस्टिंग करना चाहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो पार्टिसिपेंट्स, उनको तीन कंडीशन है उनकी, तो जो पार्टिसिपेंट्स है तीन ग्रुप उन्होंने बनाया। एक पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है उनको सिर्फ 0 mg की मेडिसिन दी, मतलब उनको प्लेसिबो दिया और मेडिसिन जैसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ बाइंडिंग जो एजेंट है वही होता है। और उनको बोला कि आप ये बताइए कि जो एंग्जाइटी उनकी हिमालय जो गुस्से में है ना, जो भी है, तो एंटी एंग्जाइटी जो है उनका, तो एंग्जाइटी लेवल कितना कम हुआ। तो एंग्जाइटी लेवल कम कितना हुआ, अगर एकदम, अगर एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा है तो अभी 10 out of 10 दीजिए, अगर बिल्कुल एंग्जाइटी खत्म हो गई तो 0 दे दो। तो क्योंकि उसको आप नाप नहीं सकते, राइट। तो उनको जो कुछ दिन के बाद उनको बुलाया गया, तो एक ने बोला कि मेरा एंग्जाइटी लेवल अभी 9 बचा हुआ, किसने बोला मेरा 8 है, किसने बोला मेरा 7 है, तो ऐसा करके रिकॉर्ड कर लिया। जिनको एक्चुअल में मेडिसिन दी उन्होंने उनका एंग्जाइटी लेवल देख सकते हैं कम हुआ है, जिसको 100 mg दिया उसको वाकई में कम हुआ है। तो आपको ये पता करना है कि इन तीनों डोजेस में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि एक्चुअल में मेडिसिन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 0 mg जैसा अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता तो मेडिकेशन, वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो बेकार हो। 0 mg वाले को भी सेम रिजल्ट आ रहा है, 50 वाले को भी आ रहा है, 100 को भी आ रहा है, मतलब वो मेडिसिन में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है। तो आपको ये बताना है कि 0 mg, 50 mg और 100 mg का जो डोज है उनके जो रिस्पॉन्सेज है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एनोवा जरूर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, आई एम श्योर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्ट में बहुत सफर करते हैं। आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। स्टार्ट की कोई और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोई एक और टेस्ट को करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।